Lord. तो कल क्या कर रहे थे बच्चों? ट्रांसमिशन मीडियम करवा रहा था मैं आपको। ये लास्ट की इसमें दो तीन स्लाइड रह गई थी एक्सप्लेन करनी। ये कल वाला समझ में आ गया था आपको? कॉपर वायर, इंटरफेरेंस, यूटीपी, कोएक्सियल केबल, एसटीपी, ऑप्टिकल फाइबर, इसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम पे आ गए थे। इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज समझाई थी आपको, एंटीनाज का रोल समझाया था, सैटेलाइट की क्या वर्किंग होगी, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी और लो अर्थ ऑर्बिट। अब ये माइक्रोवेव, आज ये कराना है। ठीक है, एक सेकंड, उधर फिर आ गया कोई। हाँ जी, करें शुरू। ये था माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी माइक्रोवेव्स की। एक्चुअल में माइक्रोवेव्स का यूज हम कहाँ करेंगे? जिसमें हमें डायरेक्टेड बीम डालनी हो, जिसमें कि जो माइक्रो वो जो वेव्स है जो वो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं होगी, वो फोकस करके एक किसी एक फिक्स पॉइंट पे ही उसको हम उस बीम को डालेंगे। सो माइक्रोवेव्स आर हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बट देयर ऑपरेशन इज डिफरेंट। इनका काम, इनका ऑपरेशन जो है वो अलग है, अनलाइक रेडियो वेव। जैसे रेडियो वेव तो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो जाती थी ना, विच प्रोपेगेट इन ऑल द डायरेक्शंस, ए माइक्रोवेव कैन बी ट्रांसमिटेड एट ए एम इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो माइक्रोवेव को आप किसी एक टारगेट पे फोकस करके डाल सकते हो। द माइक्रोवेव कैन कैरी मोर डाटा। माइक्रोवेव में ज्यादा डाटा आ सकता है, बट देयर दीज कैन नॉट पेनिट्रेट द मेटल। अब समस्या क्या है कि माइक्रोवेव मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, कोई भी ऑब्स्टिकल रास्ते में आएगी तो उसको वो उसमें से थ्रू नहीं जा पाएगी। सो ए क्लियर पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसमिशन। तो इनको ट्रांसमिट करने के लिए आपको जो उसका रास्ता है वो साफ होना चाहिए। सो द माइक्रोवेव ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सेटअप हाई ऑन टू टावर्स। तो दो ऊंची टावर पर, ऊंची बिल्डिंग पे इनको लगाया जाता है, सो दैट दे कैन बी एम्ड एट ईच अदर। तो उनको एक दूसरे पे फोकस करके विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, तो ताकि रास्ते में उनके बीच में कोई और अड़चन ना आए। तो ये माइक्रोवेव का, ये किसके अंडर है? ये अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम के अंडर है। ये समझा रहा था ना आपको मैं, ये था अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अनगाइडेड में दो टाइप की थी, ये थी यूनिडायरेक्शनल एंड ओमनीडायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल में तो सभी रेडियो वेव जाती थी जो कि सभी डायरेक्शन में अपने सिग्नल को प्रोपेगेट करती थी, और यूनिडायरेक्शनल में जो फोकस करके एम करके एक फिक्स पॉइंट पे ही वो रेज डलेंगी। तो माइक्रोवेव वो काम करता है। दूसरी देखो, इंफ्रारेड। अब ये लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स हैं, मेनली यूज्ड इन रिमोट ऑफ टीवी, एसी एटसेट्रा। ये जो घर में जितने अप्लायंसेज हैं इनके जो रिमोट हैं उनमें ये इंफ्रारेड रेज काम में आती हैं। स्मॉल नेटवर्क ऑफ नियर बाय कंप्यूटर्स, इनसे आप एक बड़ा छोटा सा नेटवर्क बना सकते हो जो कि नजदीक नजदीक कंप्यूटर रखे हुए हैं वो आप आपस में जोड़ सकते हो इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से। नो नीड ऑफ एंटीना, इसमें एंटीना की जरूरत नहीं है। तो ये इंफ्रारेड रेज का यूज हो गया। अब ये लास्ट है, लाइट फ्रॉम ए लेजर इन ओपन। अब लाइट जो है, लाइट को भी आप यूज कर सकते हो ओपन में। इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग इन फाइबर्स
द लेजर लाइट इज फोकस्ड ऑन द रिसीवर इन ओपन। देखो पहले हमने क्या समझा था कि भाई जो फाइबर है, फाइबर में हम लेजर लाइट्स का यूज करते हैं और उसमें डाटा ट्रेवल करवाते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो लेजर लाइट है उसको आप ओपन में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी जो फोकसिंग पावर है वो, एक मिनट फिर लगता है कोई आ रहा है, अब ये लेट आते हैं ना बेटा, लेट मत आया करो, अब देखो डिस्टरबेंस हो जाती है सारी पढ़ाने में। चलो ये लास्ट स्लाइड है, इसको ऐसे समझा देता हूं। लाइट फ्रॉम लेजर इन ओपन, द लेजर लाइट इज यूज्ड बिकॉज इट कैन बी फोकस्ड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब इसको भी हम फोकस करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टारगेट पॉइंट पे, तो लेजर लाइट का फोकस पावर ज्यादा है तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम यूज कर सकते हैं। अगेन द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ ब्लॉकिंग बिटवीन द पाथ, यहां पर भी समस्या यही आएगी कि भाई उस लाइट के रास्ते में, लेजर के रास्ते में बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आनी चाहिए, तो इसका बहुत लिमिटेड सा यूज है, ये ज्यादा यूज में नहीं है। तो ये वाला लेक्चर अब मेरा यहां पर खत्म होता है। इसमें मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में समझाया है, ट्रांसमिशन मीडिया में फिजिकल मीडियम जिसमें कि सिग्नल प्रोपेगेट होंगे वो डायरेक्शनल कैटेगरी के अंडर आएगा, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम की कैटेगरी में आएगा और अनगाइडेड की ट्रांसमिशन कैटेगरी में आएगा, जिसमें कि आपकी रेडियो वेव्स हैं, लेजर है, माइक्रोवेव है और यूज ऑफ सैटेलाइट्स है। तो ये सारा का सारा अनगाइडेड की कैटेगरी में आ रहा है। ये लेक्चर मेरा पूरा हुआ, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर शुरू करवा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर आपको बताता हूं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीडियम बंद कर देता हूं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये देखो कम्युनिकेशन। अब देखो दो टाइप की कम्युनिकेशन है, एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। दोनों कम्युनिकेशन को हम स्टडी करेंगे, पहले एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बारी आएगी आज। तो सिंक्रोनस होती क्या है, सेंडर एंड रिसीवर कोऑर्डिनेट बिफोर ट्रांसमिटिंग द डाटा। अब देखो कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगी। तो सोर्स ने, आपने कुछ सिग्नल जनरेट कर दिए, वो सेंडर के, सेंडर ने अपना काम कर दिया, उसको सेंडर बोलेंगे और वो सिग्नल रिसीवर के पास पहुंच गए। अब सेंडर ने सिग्नल जनरेट करने हैं, रिसीवर ने सिग्नल रिसीव करने हैं, उनको कैप्चर करना है। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि जब सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि भाई अब ठीक है, अब तो सिग्नल भेज दे, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए, और रिसीवर ने सेंडर को जब सिग्नल दिया या रिसीवर जब रेडी हो गया सिग्नल को रिसीव करने के लिए, तब सेंडर ने वो डाटा, वो सिग्नल ट्रांसमिट किए। तो अगर तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो ऐसी कम्युनिकेशन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहलाएगी। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है जिसमें कि कोई सिंक्रोनाइजेशन ना की जाए, मतलब कि रिसीवर अपनी जगह पर बैठा है, सेंडर अपनी जगह पर बैठा है, दोनों में पहले कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, सेंडर का जब दिल आया उसने उठा के अपना डाटा ट्रांसमिट कर दिया और रिसीवर के पास अचानक ही डाटा पहुंचा, लेकिन रिसीवर इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है कि जब भी उसके पास डाटा आएगा वो उसको रिसीव करने के काबिलियत है उसके पास, और रिसीव करने के बाद उसमें से डाटा को डीकोड करने की काबिलियत है, डाटा को कैप्चर करने की काबिलियत है। तो ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो सिंक्रोनस में पहले उनमें कुछ सिंक्रोनाइजेशन बैठेगी, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन होगा डाटा का, और एसिंक्रोनस में विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन अचानक से ही डाटा भेज दिया जाएगा और वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा और सही ढंग से डीकोड भी कर पाएगा। अब देखो आगे क्या है। अब सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी,
नाउ सिंक्रोनाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ सम इनिशियल कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ पल्सेस। के भाई जब सिंक्रोनाइजेशन वाली जो कैटेगरी है उसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है कि जो सेंडर है वो डाटा भेजने से पहले एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ पल्सेस वो ट्रांसमिट करता है विच द सेंडर जनरेट्स सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड एंड सिंक्रोनाइज इट्स क्लॉक। तो जिससे कि वो रिसीवर को जो वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम मिलेगी पल्सेस की, तो उससे वो जो रिसीवर है वो समझ जाएगा कि भाई अभी डाटा आने वाला है या डाटा आएगा इसके बाद, तो वो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेगा उस डाटा के हिसाब से, उन पल्सेज के हिसाब से अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लेगा, सिंक्रोनाइज कर लेगा और अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करेगा फॉर टू पर्पस, दो रीजन से। एक तो है स्टार्ट ऑफ द डाटा, तो अपनी क्लॉक को रेडी रखेगा कि डाटा कब शुरू होगा वो उसको पता होगा, तो स्टार्ट ऑफ द डाटा एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पल्स। तो एक पल्स की ड्यूरेशन क्या है वो उसको पता लग जाएगा इनिशियल बिट से, और डाटा कब शुरू होगा ये उसको पता लग जाएगा। तो ये तो था सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन आज का लेक्चर तो हमारा एसिंक्रोनस का है, तो आप एसिंक्रोनस पे फोकस करेंगे। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन देखो क्या होती है, बट इन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन नो इनिशियल पल्स स्ट्रीम इज सेंट बाय द सेंडर फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसीवर क्लॉक। लेकिन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में सेंडर ऐसी कोई भी सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रीम, पल्स स्ट्रीम नहीं भेजता जिससे कि रिसीवर उसको उसको रिसीव करके और अपने रिसीवर जो है सेंडर ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं भेजता जिससे कि रिसीवर उसका यूज करके अपनी क्लॉक को सेट कर ले। दूसरा देखो, डायरेक्ट डाटा पल्सेज आर सेंट, मतलब सीधा डाटा पल्स ही भेजेगा, वो डाटा ही भेजेगा, उससे पहले कोई सेटिंग करने के लिए बिट स्ट्रीम नहीं भेजेगा। द रिसीविंग हार्डवेयर शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द एंड इंटरप्रेट द सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सेंडर। ये जो रिसीविंग हार्डवेयर है जो रिसीवर एंड पे है वो उतना काबिल होना चाहिए टू एक्सेप्ट एंड इंटरप्रेट द सिग्नल्स, कि जो सिग्नल उसको रिसीव हो रहे हैं उनको वो एक्सेप्ट करे और उनको इंटरप्रेट करे। द सेंडर इज फ्री टू सेंड द डाटा सिग्नल्स एट एनी टाइम। अब ये भी देखो, दूसरी ब्यूटी देखो क्या है कि सेंडर जब चाहे अपना सिग्नल भेज सकता है। उसने पहला डाटा भेजा, पहला डाटा भेजने के बाद सो गया, अचानक से उठा और उसने दूसरा डाटा भेज दिया, तो विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। तो सेंडर फ्री है कि जब वो चाहे डाटा भेज दे, उसके लिए उसको किसी प्री इन्फॉर्मेशन देने की, प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि भाई अब मैं डाटा भेजूंगा, ऐसा कहने की उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसकी लिमिटेशन देखो, द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज वोल्टेज लेवल आर यूज्ड बाय द सेंडर टू ट्रांसमिट द बिट्स। अब ये जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है इसमें इलेक्ट्रिक करंट के या फिर वोल्टेज लेवल जो है यूज किए जाएंगे डाटा ट्रांसफर करने के लिए। नाउ दिस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये कम्युनिकेशन की जाती है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक पल्सेज और वोल्टेज लेवल डैम्प्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द मीडिया। तो वोल्टेज लेवल जो है या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लंबी दूरी तक जाने पर डैम्प हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। सो वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बिटवीन कीबोर्ड एंड सीपीयू। कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में ऐसी कम्युनिकेशन होती है। कैसी कम्युनिकेशन है ये? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ ऑपरेशन, अब देखो ये कैसे काम करती है। नाउ फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप देखो, सेंडर ने डाटा भेजना है, सिग्नल भेजने हैं, और कोई पहले भी खबरदारी नहीं करनी, और रिसीवर ने सिग्नल रिसीव करने हैं। तो सेंडर जिस स्पीड से या जिस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल भेज रहा है
उसी स्पीड से उसी फ्रीक्वेंसी से रिसीवर को वो सिग्नल एक्सेप्ट करना रिसीव करना आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जब आप उनकी सर्किटरी जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दोनों सेंडर और रिसीवर की ऐसे बनाओगे कि सेंडर भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे फिक्स इंटरवल में डाटा को भेजे और रिसीवर भी उसी स्पीड से डाटा को रिसीव करे, सिग्नल्स को रिसीव करे। सो दैट व्हेनेवर द सेंडर सेंड सम डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स द रिसीवर कैन रिसीव एंड अंडरस्टैंड द डाटा विदाउट एनी एरर। तो रिसीवर जो है उस डाटा को रिसीव कर पाए बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, अब देखो को स्टैंडर्ड बना दिए गए। इन एवरी स्टैंडर्ड टू थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। देखो कोई भी स्टैंडर्ड बनेगा उसमें दो चीजों को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। पहली, वन इज द लेवल ऑफ वोल्टेज यूज्ड टू कोड 0 एंड 1। एक तो ये स्टैंडर्डाइज किया जाएगा कि भाई आपने कितनी वोल्टेज के सिग्नल को 1 मानना है और कितनी वोल्टेज के सिग्नल को 0 मानना है। और दूसरा, एंड द अदर इज ड्यूरेशन ऑफ ईच लेवल। दूसरा ये समझना होगा कि भाई कितनी देर तक वो जो वोल्टेज का लेवल है वो मेंटेन रखा जाएगा एक सिग्नल को, एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ ईच वोल्टेज लेवल। फॉर एग्जांपल, ए नेगेटिव वोल्टेज लेवल मे रिप्रेजेंट 1 एंड ए पॉजिटिव वोल्टेज लेवल मे रिप्रेजेंट 0। द ड्यूरेशन ऑफ ईच लेवल मे आल्सो बी फिक्स्ड। और इनमें ड्यूरेशन भी फिक्स कर देते हैं। कोई आया है क्या? आया है, अब क्या? ये इतनी लेट कौन आया है बेटा? सर्ब कौन है बोलो मुझे। हेलो, सॉरी सर नेट ऑफ था, पता नहीं लगा। और डिस्टरबेंस हो जाती है ना सारी पढ़ाने में। सॉरी सर, सॉरी। चलो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवा रहा हूं आज। ये था स्टैंडर्डाइजेशन, बता रहा था कि हमें दो चीजों को स्टैंडर्डाइज करना होता है। एक तो वोल्टेज लेवल, अभी कितना वोल्टेज लेवल 0 बोलेगा, कितना वोल्टेज लेवल 1 बोलेगा, और दूसरा कि वो कितने टाइम तक वो वोल्टेज लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये देखो, अब ये एग्जांपल है इसका। अब ये आपका एक ग्राफ बना रखा है वोल्टेज लेवल का टाइम के हिसाब से। तो अगर वोल्टेज लेवल अप है, ये चलो ये तो एक एक सिंबॉलिक दिखा रखा है, नहीं तो आगे वाला जो और स्टैंडर्ड आएगा उसमें प्लस 15 और माइनस 15 वोल्ट का लेवल है। प्लस 15 वोल्ट का लेवल 0 बताता है और माइनस 15 वोल्ट का लेवल 1 बताता है। ये RS-232 स्टैंडर्ड है। RS का मतलब रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। अब इस स्टैंडर्ड में यही एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के वो बताए जाएंगे कि भी उसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी और कैसे वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। दिस इज यूज्ड बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मॉडम और ए टर्मिनल और ए कीबोर्ड। अब देखो ये जो स्टैंडर्ड है, इससे आप एक कंप्यूटर को एक मॉडम से कनेक्ट करते हो, या एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा, या फिर एक कीबोर्ड से कनेक्ट होगा। तो ये जितने भी छोटे छोटे डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर से जुड़ते हैं, ये सारे के सारे सीरियल कम्युनिकेशन इनमें होती है, और इनमें स्टैंडर्ड कौन सा चलता है? RS-232। ये सीरियल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। ये कॉपर वायर इसमें यूज होती है। लेस देन 50 फीट, 50 फीट से कम तक की लेंथ इसमें होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड सक्सेसफुली काम कर पाएगा, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत होगी। वोल्टेज लेवल इसमें 2 होंगे, माइनस 15 वोल्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा और प्लस 15 वोल्ट 0 को रिप्रेजेंट करेगा। कम्युनिकेट्स 1 करेक्टर एट ए टाइम। ये देखो ये जरूरी है। अब एक करेक्टर की कम्युनिकेशन होगी एक टाइम पे। करेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर उस करेक्टर में 7 बिट का करेक्टर है, 8 बिट का करेक्टर है, तो 8 बिट तो लगातार ट्रेवल होंगे, उनमें कोई डिले नहीं होगा, तो वो तो विदाउट डिले एक करेक्टर के 8 बिट
लगातार ट्रेवल होंगे और वो ट्रांसमिशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कोई करेक्टर अगर उसने भेजना है तो उसमें वो इनडेफिनेट टाइम का डिले ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक करेक्टर की कम्युनिकेशन उसने शुरू कर दी तो वो पूरी करके ही बिना किसी डिले के उसको पूरी करेगा। आर्बिट्रेरी डिले बिटवीन टू करेक्टर्स, दो करेक्टर के बीच में तो वो डिले कर सकता है लेकिन एक करेक्टर की ट्रांसमिशन शुरू करने के बाद उसको बिना किसी डिले के पूरी करता है। बट ऑल द बिट्स ऑफ वन करेक्टर आर ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिले, ये मैंने आपको बता दिया। नेवर लीव्स जीरो ऑन द लाइन, अब ये जीरो वोल्टेज लेवल कभी भी नहीं रहेगा लाइन पे, तो या प्लस 15 रहेगा या माइनस 15 रहेगा। इन आइडल टाइम, जो अगर जो खाली टाइम है उसका आइडल टाइम है लाइन का, जिस पर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही जिस टाइम में, तो क्या लेवल रहेगा? माइनस 15 वोल्ट, दैट रिप्रेजेंट्स वन, जो वन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो माइनस 15 वोल्ट का लेवल लाइन पे मेंटेन रहेगा। अब इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, अब इससे एक समस्या हो जाएगी। हाउ विल द रिसीवर नो दैट ए करेक्टर विल फर्स्ट करेक्टर विद फर्स्ट वन दैट इज माइनस 15 वोल्ट हैज स्टार्टेड और रीच टू इट। अब देखो खाली टाइम चल रहा था तो आपकी जो लाइन थी उस पे माइनस 15 वोल्ट